नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कौन से लहंगे में कितना कपड़ा लगता है, ये बारीकी से समझेंगे। यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर वीडियोज़ बना सकें। बेल का आइकन ज़रूर से दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर एक पे है अम्ब्रेला कट लहंगा। इसमें 40 साइज के अनुसार कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा लगता है और इसी लहंगे को आप जस्ट डबल घेर में यानी कि 3.5 मीटर में आपका जो घेर होगा वो होगा करीबन 4.5 मीटर। अगर आप इसी का डबल घेर बनाना चाहते हैं तो 7 मीटर कपड़ा लेंगे, 7 मीटर का आपका घेर जो हो जाएगा करीबन 9 से 9.5 मीटर घेर इसका हो जाएगा। ये 40 साइज के अकॉर्डिंग है। दूसरा नंबर आता है कलीदार लहंगा। इसे आप नॉर्मली कपड़े में साड़ी में बना सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए और इसका घेर आप बना सकते हैं 5 मीटर। दूसरा आप कलियाँ अपने हिसाब से रख सकते हैं, 16, 14, 12 या 18 या 24 कली, वो आपकी कमर के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, जो मैं ये लहंगे बता रहा हूँ वैसे करीब करीब लहंगे मेरे स्टिचिंग कटिंग और स्टिचिंग के मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हो या देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप लहंगे पे क्लिक करें तो आपको मेरे पूरे लहंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 मीटर का जस्ट डबल कपड़ा लेते हैं 8 मीटर। 8 मीटर में आपका जो घेर हो जाएगा करीबन 10 मीटर का इसका जो राउंड घेर होगा नीचे से, कलियाँ वगैरह ऊपर की कमर आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप मनचाह घेर रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतना घेर रखें, आपके पास में जितना कपड़ा उतना भी आप इसमें बना सकते हैं। नंबर 3 पे आता है अपना फिश कट लहंगा। इसमें आपको कम से कम 40 साइज में 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ये कम से कम है। फिश कट आपका जो कमर से घुटने से उसके बाद में घेर बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 4 मीटर कपड़ा लें। और फिर आप अगर आप नीचे की तरफ ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं कली में कली फंसाकर, तो आप 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर जितना आप घेर रखना चाहते हैं उतना आप कपड़ा ले सकते हैं। फिर नंबर आता है अपना पेटीकोट का। पेटीकोट में आप कम से कम 2.25 मीटर कपड़े से 2.5 मीटर में नॉर्मली आप 40 साइज का बना सकते हैं, ये आसानी से बन जाएगा। इसके बाद नंबर आता है नेट लहंगे का। कम से कम 3.5 मीटर में आप 4.5 मीटर घेर इसका बना सकते हैं 40 साइज के अनुसार, ये आराम से बन जाएगा। इसमें जस्ट डबल घेर बनाना चाहते हैं तो 7 मीटर कपड़ा लें, 7 मीटर कपड़े में आपका 9 मीटर से ज़्यादा थोड़ा घेर बन सकता है, आराम से बन सकता है, कोई वेस्टेज भी नहीं जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये प्लेन कपड़े के अनुसार मैंने आपको फैब्रिक बताया है। कई कपड़े ऐसे आते हैं उनकी बूटियाँ ऊपर आती हैं, कई की नीचे आती हैं, तो उनका थोड़ा कैलकुलेशन अलग होगा। आप चाहें तो एक कली ऊपर एक कली नीचे की तरफ भी ऐसे छोटी बूटी हो तो बना सकते हैं। साड़ी वगैरह में भी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, जब भी आप लहंगा बनाएं तो उसमें आप ये पहले नोट कर लें कि इसमें कौन सा लहंगा बन सकता है, अम्ब्रेला बनेगा या कलीदार लहंगा बनेगा, वो आपकी बूटियाँ बॉर्डर के अनुसार बनता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ लहंगे थे जिनका मटेरियल मैंने आपको बताया, और चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखें, हमारे लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग नेट में भी हैं, कलीदार भी है, अम्ब्रेला भी है, गरबा का भी है, और भी बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं जो कैन लगाकर भी हैं, डिजाइनर पार्टी वेयर ब्राइडल काफ़ी मेरे वीडियोज़ हैं, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर जाकर देखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कुछ मेजरमेंट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद, राम राम। शुक्रिया।